देवरिया भाटपा रानी तहसील अंतर्गत ग्राम चुहिया में प्रशासन की मनमानी देखने को मिली, जहां पर संतोष और सतीश के मकान पर बुलडोजर चल गया। पीड़ित का कहना है कि शासन प्रशासन और ग्राम प्रधान रामानंद यादव की मिली भगत से हमारे मकान को तोड़ दिया गया है। हमें किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। लेखपाल द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर से नोटिस दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। हमारे अपनी जमीन पर बनी मकान को गलत तरीके से रास्ते में दिखाकर तोड़ दिया गया है। इस संबंध में तहसीलदार भाटपा रानी से बात की गई तो उनके द्वारा कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। उनका ड्राइव करके वापस है आपका मामला ये है कि रोड का मामला है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा चेकआउट निकाल कर जहाँ रोड आ रहा है वहाँ से पैमाइश करके बढ़िया से निकलवा दें, बस मेरा चेकआउट छोड़कर। तो जो आपका ये मकान टूटा हुआ है, ये किनके आदेश से टूटा है? ये लखपाल थे, प्रधान थे और दो चार आदमी गांव के लोग भी थे, इसे मिले जुले हुए हैं, इसी की वजह से ये दोनों मिलकर सब तोड़े। आपके गांव के ग्राम प्रधान कौन है? रामानंद यादव। क्या वह यहां पर उपस्थित थे? हाँ, मौजूद थे। तो उनका क्या कहना था? वही बोल रहे थे कि ये रोड में है। मैं भी बोला कि सर मेरा चेकआउट है, चेकआउट के बाद ही कुछ रोड निकलता है, तो नहीं माने। जबरदस्ती ये सब मिलजुल कर हम लोग को दबा कर, गरीब गुरबा आदमी है कि हम लोग दबा हुआ कर और मारने वाले पड़ गए थे, इसीलिए हम लोग छुपा गए। जो मैं हम लोग बोले जो करना होकर। तो मकान तोड़ने में कौन कौन लोग थे? मकान तोड़ने में थे छोटे लाल मेन थे, श्री भगवान थे और ये सब रुद्र यादव, उपेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, ये सब मिलकर हम लोग का मकान तोड़े हैं। एक आदेश करके लेखपाल आए थे, डीएम आए थे, तहसीलदार आए थे, ये सब मिलजुल कर का पता नहीं किस रखिया किए हैं कि हम लोग को मकान तोड़े हैं। एक दिन नोटिस दिए हैं, एक दिन के बाद तुरंत तोड़ दिया गया, उसके लिए मोहलत भी नहीं मिला। धन्यवाद। आपका क्या मामला है? ये हमारा भी रोड का ही है, हमारे यहाँ दीवार चला हुआ था सारा, जो कि कुछ तो प्रशासन द्वारा तोड़वाया गया था। ये नेपाल कानवो तहसीलदार भी थे, जो कि इस पर कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से, अपनी तरफ से ही नोटिस जारी करवाया गया है। हम आए हैं दो दिन से, सारा पता करवाए हैं, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, जो कि प्रशासन इधर का तोड़ के गई थी और उधर दीवार बिल्कुल हमारा था, जो कि दो दिन हफ्ते पाँच दिन बाद रुद्र यादव, सत्येंद्र यादव, उपेंद्र यादव और ग्राम प्रधान यहाँ खड़ा होकर तोड़वाए हैं, जिसके सिलसिले में अभी हम भाजपा गए थे कानगो से, पूछे कि आप इसका रिपोर्ट दीजिए, कह रहे हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। तहसीलदार को पूछे कि आप रिपोर्ट दीजिए, वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। नेपाल से लो, नेपाल से बात किए, नेपाल कह रहे हैं हम दो दिन के बाद मिलेंगे, दो दिन बाद आइए। जो कि हम शनिवार को गए थे देवरिया न्यायालय में इसके लिए केस डाले हैं, वो कहे हैं कि सारे लोगों से रिपोर्ट निकलवाओ, सारा कुछ करो, बाकी कहा यहाँ से सारा कुछ होगा। धन्यवाद।